प्रयागराज में बहू ने रची झूठी कहानी। दहेज प्रथा के चक्कर में सास ससुर को कटवा रही थाने का चक्कर। भाई ने अपनी बहन के साथ मिलकर उजाड़ा बहन का घर। प्रयागराज करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेमरी तालुका पूर्वा सनात कपूरवा का मामला सामने आया, जहां विवेक कुमार पुत्र काशी नरेश पटेल की लड़की की शादी प्रतापपुर चंदौली गांव में हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से 12/12/2020 को संपन्न हुई, जहां पर लड़की 3 से 4 महीने खुशी खुशी अपने ससुराल में रही। उसके बाद कुछ दिनों तक इधर उधर का ड्रामा चला, जहां फिर पंचायत में राजी खुशी होकर फिर वो अपने ससुराल में रहने लगी, जहां पर एक बच्चे को जन्म दिया। जब बच्चा 4 महीने का गोद में था, उसी वक्त लड़का बाहर कमाने के लिए चला गया। ससुराल वालों का कहना है, हमारा बेटा 2 महीने से बाहर गया है, लेकिन बहू रात रात मोबाइल पर किसी से अनजान व्यक्ति से बात करती थी। जब सास ससुर ने पूछा फोन पर किससे बात करती है, तो लड़की कहती है कि मैं अपने भाई और भाभी से बात करती हूँ। वहीं 23 तारीख दिन शनिवार को अपने भाइयों को बुलाकर घर पे बेहोशी का नाटक करके अपने भाइयों को फोन किया, और साथ ही भाई अपने साथ एक दर्जन से अधिक स्कॉर्पियो में और दोपहिया बाइक पर लोगों को लेकर आए और घर में घुसकर सास नंद को भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया और अपनी बहन को लेकर चले गए। और अगले दिन 24 तारीख को करछना थाने में जाकर झूठी एफआईआर दर्ज करा दी और दहेज का उत्पीड़न दर्ज करवा दिया। आखिरकार एक भाई अपने बहन के घर को बसाता है, उसकी सलामती चाहता है, लेकिन यहाँ पर एक भाई ने ही अपने बहन का घर उजाड़ दिया। प्रयागराज से जिला क्राइम रिपोर्टर नरेंद्र यादव की रिपोर्ट। आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, आपकी बहू ने आरोप लगाया है कि आप लोग उसको मार कर फेंक दिए हैं और उस पर दहेज प्रथा भी लिखा है कि आप लोग ब्लड की मांग करते हैं, क्या कुछ मामला है? ऐसी कोई बात नहीं थी, मांग की कोई बात नहीं थी। क्या मामला है? ये मामला झूठी अफवाह कर रहे हैं, ब्लड मांग रहे हैं, ट्रैक्टर मांग रहे हैं, ये झूठी अफवाहें बना करके ये हमारे ऊपर। क्या सच्चाई है? उनकी लड़की यहाँ रहने के लिए हमें कार ही नहीं भरती, कहती है मैं मैके रहूँगा, वहाँ चली जाती है, जल्दी नहीं आती है, बहुत आती भी है तो यहाँ रात दिन फोन लगा कर बातें करती है, कहने पर बिगड़ जाती है और न खाना बनाती है न कुछ करती, लेटी रहती है। तो हमारी लड़कियाँ जो हम खुद ही डांटते हैं कि उनको खाना दे दो, खाना बना कर देती हैं। कि आप लोग उसे मारे पीटे हैं, इसकी क्या? नहीं, मारने पीटे गाली तक नहीं, उसको आज तक हम दिए हैं, मारने पीटने की तो बात अलग है, नहीं उसकी जाँच करवा लें, उसकी सब सारी हकीकत पता करवा सकते हैं आपके, कितने राफड़ मार गए के गाली दे के कात करे, वह सच्चाई भी आपको मिल जाएगी। हमारा नाम है काशी नरेश पटेल। कौन सा गांव का मामला है? ये गांव हमारे सेमरी तालुका पूर्वा सनात का पूरा। तो जो आरोप लगाए इसकी क्या सच्चाई है और क्या घटना हुई थी उस दिन जब यहाँ पे लोग कुछ लोग आए थे और कुछ सामान वगैरह लेकर चले गए थे, और क्या धमकियाँ मिली थी? धमकियाँ मिली हैं कि मारे हैं, उनकी सच्चाई सारी झूठ है, जितना आरोप लगाए हैं सारा झूठ है। क्या मामला हुआ? मामला का हुआ है, मामला वो लड़ी रहती हैं रात दिन, फोन में बतलाती हैं, भाई के बुलाती हैं कि आओ हम चल अपने घर, यहाँ नहीं रहेंगे। बताया भी जाता है कि यहाँ से ज़्यादा अपने नैहर? हाँ, ज़्यादा नैहर में रहती हैं, यहाँ उनका नहीं मन लग रहा के। इसकी एक दो बार बताया जा रहा है कि पंचायत भी? हाँ, पंचायत भी भाई है, दो बार पंचायत भी भाई है। अब वो भर भाई है तो कहें कि ये है कि भाई रहाई खोई तो के तब बताओ, न रहाई खोई तब तो कहे कि नहीं हम वही घर में रह, जब ही घर में आए तो ऐसे ऐसे नाटक करत रहे, हम कैसे करब, मेरे दूठे बिटिया आई भी है कि बेटवा है भी है, हम नाटक ही देखब, हम लड़कियों का देला अपन भी है, अब साल ही भर होत बा नाटक करे, पंचायत करवाए से ही महीना में आ जाए काल के दिन अपन वही नाटक फांदे बा। क्या आप लोग सारा घर मिलकर उसको मारे पीटे हैं? कुछ ना, ये सारी बात झूठ है, जांच कराए ना, उसका भाई कहे हम एडमिशन करे है, वो भर्ती करे है थाने में, तो भाई जहाँ भर्ती करे हो रिपोर्ट कुछ निकला होए कि कितनी चोट लगी बा कितनी नहीं चोट लगी बा, सारी बात झूठ लिखाई गई बा। उनका यह भी आरोप है कि आपके बेटा बुलेट मांगता है? कुछ ना, सारी बात झूठ है, जब शादी भाई तो हम ना ही मांगा एक पैसा की चीज, देख बच्चा हो गया तब हमका बुलेट दे ही। आपके बहू को लेने के लिए लगभग कितने लोग आए थे और किस प्रकार के? अरे एक गाड़ी भी आए हैं, एक गाड़ी आई रहन, दोपहिया आई रही। यहाँ से लेकर गए क्या कुछ कुछ कह के गए हैं कैसे? हाँ, यहाँ से ले गए हैं, धमकी दे के गए हैं कि तुमके मारेंगी, तुम्हारा खेत बाड़ी सब बिचवा देंगी, जेल करवा दे हैं, सब ले गए हैं, सब उठाई ले गए हैं। उत्ती समय तो चला गए हैं, फिर शाम के 3 लोग भेज रहे हैं घर में घुसुर के लेके चला गए हैं।
बाइक वगैरह जो दिए थे सब उठा ले गए, सब उठा ले गए, बाइक गहना सब जितना रहा सब उठा ले गए। उनका दिया हुआ क्या चीज बचा है? उनका दिया हुआ कुछ नहीं है, अभी पंखा कूलर बचा है, अलंग पलंग। क्या नाम था आपके बहू का? शांति देवी। बहू कहाँ की रहने वाली है? प्रतापपुर के। बेटे का नाम क्या था? विवेक। आपका नाम क्या है? प्रीतम देवी। आपके पति का नाम?